बुखारी शरीफ का हदीस है, हदीस नंबर है 6128। मैं हवाला इसके देता हूँ, ये नहीं पादल्ला के नाम का नहीं, मैं कभी नहीं उसका अपना संभाल रहा हूँ, हवाला इसलिए देता हूँ, ऐसा ना कहे कि शायद ये नबी कसम का फरमान भी बात कमानी करके अपने इमाम का बेड़ा रखना था, इसलिए हवाला दे रहा हूँ जाके तहकीक करो, मेरे पास सारी किताबें जाके पढ़ लो। हदीस नंबर है 6128 सही ना बोल रहा रहा भी है, सही बुहारी की हदीस है, हदीस भी सही है, हवाला दे रहा हूँ। मकसद ये क्या हो सकता है, एक हदीस से मुकसर होने के साथ एक और पढ़ रहे, हो सकता है हमारा यहाँ नहीं कर रहा है मकसद पूरा हो। तो सही ना बोल रहा मैं तो सारी उम्र की बात नहीं करता था,
सारी दौलत ले लें अल्लाह के नाम से करते हैं, मुझे अल्लाह तआला से गुनाहों की माफ़ कर दी। फिर रोना शुरू कर दिया, फिर किया आलू बेशक मेरे गर्दन दाग पर बहुत टाइम दे मेरा आदमी सब दम से जुदा कर दे, लेकिन अल्लाह तआला से मुझे गुनाहों की माफ़ कर दी। और सात सालों का हो रहा है करीम आकला सात साल में घुमाया उन्हें गाँव से ऐसे गुनाह नहीं आना, ये नहीं पता ये तो कहना सरकार को मौत लगा करीम कर दूँ, इस मामले से होता बात आगे बताने के लिए ना सरकार को सब पता है इससे अल्लाह की राह में छुप सकती है और कौन सी जिंदगी छुप सकती है। और ये कुरान मुकद्दस का असूल है, देखो ना मूसा कलीम अल्लाह तआला ने खुद ही आसान कर दिया, बकरी के पत्ते भी डाल लेते लंबा हो गया थक जाते तो सुना बन गया, रात को एमरजेंसी लाइट बन गया था रोशन हो गया था। तो जब जादूगर आते हैं फिरौन के कितना बड़ा अस्तरा बन जाता है कि 70-70 हज़ार सामू को एक दफा निकल जाता है, खुद ही अल्लाह ताला ने कहा अपना खुद ही पूछा बाबा दिल कभी जमीन कही उसका तेरा दया आपने किया। तो पता चल गया अगर हर इस बामिया जुम्मा लाइन की दलील और पंडा डॉलर का तो भी खराब होता है, मैंने ये भी बात सरदार रमेश ने अपना देखा तो कोई मामला उस को मगर पता था अगर ये कुलिया होता ना तो ये कुलिया बनाने में मदद से अल्लाह ताला ने दुआ से माफ किया बड़ी तरह फरमाया। सरकार ने पूछा कौन से इतने बड़े गुनाह किए हैं, जार बदार और असिया निकल गई ना है निकल गई आज की हजरत सात साल रात लोग में सरदार था पक्की उम्र में तमाम है सात साल उम्र से। तो हमारी एक पूरी रस्म थी हम पसंद नहीं करते थे कोई मारा दबाव बने, हम बच्चियों को जिंदा पैदा होते जिंदा पसंद करते थे और मैं अब तक 70 बच्चियों को जिंदा प्रपोज करता हूँ कभी ना इतनी बात सुनी तो सरकार की शिमान से भी हम सुनते बड़े प्राकृतिक का फरमान है जैसे दो बेटियां उनकी सही तरबियत करे बाप के दुआ में शादी ब्याह करे मैं और जन्नत में ऐसी निशान ना करता है। तो आका का सब इस्लाम है जब दुआ किया तो हमारे महबूब तेरे सब के सारे गुनाह से माफ कर दिए क्योंकि मेरा तेरा वादा है कि सोने Allah'a emanet olun.